इस सूटकेस की अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है, इस सूटकेस का रिव्यू करेंगे हम आज, और उस रिव्यू में आपको बताएंगे कि क्या ये सूटकेस लेने लायक है आपके लिए। इस तरह के दो सूटकेस Xiaomi ने लॉन्च किए हैं। Xiaomi एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिनके पास ना सिर्फ है फोन बेचने के लिए, मतलब दुनिया की कोई भी चीज आप ले आइए उनके पास वो है बेचने के लिए, ताकि वो आपको बेच दें और पैसा बना लें। ऐसे में Xiaomi की डिवाइसेस और सूटकेस और बाकी सब चीजें प्राइस के हिसाब से काफी अफोर्डेबल होती है, तो ये आपको तकरीबन 4300 रुपीज में मिलता है। इसको हटा दो ताकि हम तरीके से बात कर सके आपसे, क्योंकि मुझे लग रहा पता नहीं क्या सामने रख दिया इतना बड़ा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi के इस नए सूटकेस के नाम के बारे में। इसका नाम है मी लगेज और ये आता है 64 लीटर कैपेसिटी के साथ। 24 इंच इसका साइज है, अगर आप देखेंगे तकरीबन 4.1 केजी जो है इसके वेट के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो स्क्रैच रेजिस्टेंट मटेरियल के साथ आता है। मनीकॉम डिजाइन होने की वजह से इस पे अगर आप पेन वगैरह से स्क्रैच करेंगे तो इतनी आसानी से वो स्क्रैच नहीं आएगा। डे टू डे सीन में आप इस सूटकेस को यूज करते हैं तो इतनी आसानी से स्क्रैच नहीं आएगा, जो कि एक अच्छी बात है। 3-layer कंपोजिट कंप्रेसिव स्ट्रक्चर है इसमें, यानी कि जो बेसिकली प्लास्टिक का शेल है वो ऐसा है कि उसमें इस तरह का मटेरियल यूज किया गया है कि वो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, आप ये समझ सकते हैं। और शॉक रेजिस्टेंट भी है काफी हद तक स्क्रैच रेजिस्टेंट के अलावा, तो वो एक अच्छा मटेरियल है, उसको कोई ऐसे आसानी से काट कूट नहीं सकता है, तो वो एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं व्हील के बारे में। अगर आप इसको इधर उधर लेके घूमेंगे आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि चार व्हील यहाँ पे इतने स्मूथ है, बिना आवाज के आराम से चलते हैं और बढ़िया जो है इसको एक स्मूथ रोलिंग एक्सपीरियंस जो है दे देते हैं। अब हम बात करें लिफ्टिंग स्ट्रैप्स की, तो यहाँ पे एक हैंडल जो है टॉप की तरफ दिया गया है और उस हैंडल के अंदर अगर आप हाथ डालेंगे तो हाथ डालना ही मुश्किल है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ है। उसका हैंडल है वो थोड़ा सा टाइट है, उसमें हाथ एकदम से इंसर्ट करके उसको उठाना उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन समय के साथ मुझे लगता है वो ढीला हो जाएगा। क्वालिटी उसकी ठीक है, वेट वगैरह के हिसाब से अगर आप अच्छा खासी भारी सामान जो है इसमें भर रखा है तो उसके हिसाब से भी आप इसे आराम से लिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे इसकी लॉक की क्वालिटी कैसी है। तो लॉक के मामले में यहाँ पे Xiaomi ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे TSA अप्रूव लॉक्स हैं और ये चेन वाला मैकेनिज्म है, तो इसमें बेसिकली चेन है, चेन की क्वालिटी अच्छी है, चेन भी स्मूथ है, लॉक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, TSA अप्रूव लॉक है, तो यानी कि बिल्कुल अच्छा लॉक मैकेनिज्म यहाँ पे दिया है। और नंबर लॉक है तो आप आराम से नंबर लॉक करके इसको लॉक कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के आप आराम से इसको लेके जा सकते हैं। अब हम अंदर के वॉल्यूम की बात करें तो अंदर आपके पास अच्छा बड़ा पार्टीशन है, डुअल पार्टीशन है, उसमें एक तरफ जाली दी गई है। बेसिकली ऊपर वाले पार्ट में जब सूटकेस खोलेंगे तो वहाँ पे जाली लगी हुई है और उस जाली की वजह से अगर कुछ भी सामान वहाँ पे ठीक से नहीं भी रखा हुआ है, कपड़े वगैरह, वो बाहर को नहीं निकलेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे ये सूटकेस और बेहतर हो जाता है। अंदर पार्टीशन की वजह से स्ट्रैप्स दिए गए हैं जिससे आप अच्छे से टाइट करके अपना सामान जो है अंदर फिक्स कर दें। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो प्राइस यहाँ पे है 4300 में आपको अमेरिकन टूरिस्टर वगैरह भी मिल जाएगा और सूटकेस भी मिल जाएंगे। मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल जो हाई एंड कंपनीज है, जो पॉपुलर कंपनीज है मार्केट में, चाहे वो VIP हैं या फिर अमेरिकन टूरिस्टर है, उनके कंपैरिजन में यहाँ पे भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, लुक एंड फील भी यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, थोड़ी सी सिंपल लुक एंड फील है, तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि शायद वो उतना अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, लॉन्ग टर्म यूसेज के हिसाब से ये सूटकेस बिल्कुल अच्छा है जो कि आपको मिल रहा है। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की जो कि हैंडल है। तो बेसिकली हैंडल की क्वालिटी अगर आप देखेंगे, जिससे आप बेसिकली सूटकेस को इधर से उधर मूव करते हैं, वो अच्छा है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे मेटल का यूज किया गया है, जो उसके बार्स हैं वो मेटल के हैं, साथ साथ लॉक मैकेनिज्म में आप उसे दो जगह पे दो हाइट पे जो है लॉक कर सकते हैं, एक बिल्कुल फुल हाइट पे कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, तो वो भी क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है और काफी स्मूथ वो जो है काम करता है, ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से चीप है। बिल्ड क्वालिटी मटेरियल के मामले में सूटकेस अच्छा है, ओवरऑल फीचर्स के मामले में कहूँ, अंदर के डिजाइन के मामले में कहूँ तो ये सूटकेस अच्छा है। प्राइस के हिसाब से मुझे ये थोड़ा सा महंगा लगा, 4300 रुपीस का ये है, मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 3999 होनी चाहिए, जैसे कि इसके छोटे वाले वर्जन की प्राइस 2999 है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका रिव्यू है, आपको सारी बातें हमने बता दी हैं। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप पूछ लीजिए नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू। साथ ही साथ इस वीडियो में हम देंगे 5 vouchers उन लोगों को मिलेंगे जो कि रेगुलर कमेंट करते हैं, जो कि रैंडम कमेंट करते हैं, और कमेंट करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप ये तीनों काम करते हैं तो उस केस में आप वो वाउचर जीत सकते हैं, और रैंडम कमेंट पिकर के थ्रू हम यहाँ पे 3 लोगों को विनर बनाएंगे और 2 रेगुलर कमेंट जो करते हैं उनको विनर बनाएंगे। तो ऐसे में सब लोगों को जीतने का मौका मिलेगा और आपको वाउचर मिल जाएंगे, या तो पेटीएम पे रिचार्ज मिल जाएगा या फिर अमेज़न का वाउचर मिल जाएगा, जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से था यहाँ पे इसका रिव्यू हमारा इस सूटकेस का। आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहें और आपको वो वीडियोस सबसे पहले मिलें। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।